बलथर की घटना में जो अनुरूज जाधव की पुलिस कस्टडी में मौत हुई है और थाने पर एक बड़ी घटना हुई है जी, दोनों वहाँ तो जो सीसीटीवी फुटेज की बात आ रही है कि उसमें कुछ धार्मिक उन्माद वाले नारे लग रहे हैं जी, तो अब इस एंगल से उसकी तो कहीं भी पुलिस का व्यवहार जो है वो लगता है कि जनता के साथ नहीं, वो इस देश के नागरिक नहीं है बल्कि वो दुश्मन है, इस रूप में वो व्यवहार कर कि महिलाएं पीटी जा रही है। रात के आज 2 बजे की रिपोर्ट है आर्या नगर में कि वहाँ महिलाओं के साथ पूरे तौर पे पिटाई हुई है, फिर उनके गहने लूट लिए गए हैं, उनके पैसे लूट लिए गए हैं। इसके साथ दलाल हैं जो सुन रहे हैं कि 4 FIR हुआ है, तो हम समझते हैं कि एक वहाँ जो दलालों का जमावड़ा लगता है थानों में, महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया है, कहाँ तक सही है? ये तो कोई भी सभ्य व्यक्ति सभ्य समाज नहीं कहेगा कि महिलाओं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय और आप देख रहे हैं जय BTH न्यूज चैनल। दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद हैं सिकटा के स्थानीय विधायक वीरेंद्र गुप्ता जी, आइए इनसे खास बातचीत करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को अजय जी। सर जो बलथर में घटना घटा हुआ है इसके बारे में पहले कुछ बताइए। बलथर की घटना में जो अनुरूज जाधव की पुलिस कस्टडी में मौत हुई है और थाने पर एक बड़ी घटना हुई है जी। दोनों घटना काफ़ी दुखद है और दोनों में जाने गई हैं जी, संपत्ति का भी नुकसान हुआ है, तो ये काफ़ी दुखद है। तो इस मामले में हम पूरे तौर पे ये सरकार से प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इसकी एक न्यायिक जांच हो और जो इन तमाम घटनाओं के दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो। महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया है, कहाँ तक सही है? ये तो कोई भी सभ्य व्यक्ति सभ्य समाज नहीं कहेगा कि महिलाओं का पीटा जाना ठीक है जी, तो ये काफ़ी निंदनीय है, ये अच्छी बात तो नहीं है। पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है CCTV कैमरा में कि मधुमक्खी के काटने से मौत हुआ है, आपको क्या लगता है? देखिए ये थ्योरी तो आम जनता को नहीं पच रही है जी। एक जो अखबारों में रिपोर्ट छपी उसमें एक रिटायर्ड IPS जो है उन्होंने भी इसका एक तरह से मजाक उड़ाया, और डॉक्टर लोग भी जो हैं, एक्सपर्ट लोग जो हैं, वो भी जो मेडिकल जानकार हैं वो भी कह रहे हैं कि ऐसा संभव नहीं है कि 10-20 मधुमक्खी के काटने से मौत हो जाए। तो ये तो गले नहीं उतर रही है लोगों की बात मधुमक्खी वाली, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि इसका किसी जज के माध्यम से, चाहे वो सिटिंग जज हों या सेवानिवृत्त जज हों, उनके माध्यम से उसकी जांच हो तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सर आप पर भी लाठी चार्ज हुआ है, क्या करने गए थे वहाँ पर? अब देखिए कोई बड़ी घटना होगी तो वहाँ नेता जाएंगे ही जी। तो हम तो अपने क्षेत्र ही नहीं, बहुत जहाँ भी जनता की कोई तकलीफ़ की बात आती है हम वहाँ पहुँचते हैं। तो उसमें जो है मान लिया हमारे साथ कुछ घटना हुई, इसका अभी में जो जुल्म चल रहा है उसकी तुलना में कुछ नहीं है। अभी जो जनता के साथ जो हो रहा है कि महिलाएं पीटी जा रही है, रात के आज 2 बजे की रिपोर्ट है आर्या नगर में कि वहाँ महिलाओं के साथ पूरे तौर पे पिटाई हुई है, फिर उनके गहने लूट लिए गए हैं, उनके पैसे लूट लिए गए हैं। इसके साथ साथ आप ये क्लियर है कि वहाँ जो है कुछ धार्मिक उन्माद करने पैदा करने वाले जो तत्व है, जो समाज को एक तरह से पूरा एक तरह से उन्माद के माहौल में बदलना चाहते हैं, तो वैसे ताकतों के द्वारा यदि थाना पर कार्रवाई हुई तो आम निर्दोष लोगों पर कार्रवाई करना तो बहुत ही गलत है। हम समझते हैं कि वो CCTV फुटेज की बात आ रही है, चाहे बहुत सारे तरीके हैं जिसमें जांच पड़ताल हो सकती है कि कौन जो है वो उसमें पूरी चीज़ों को संचालित कर रहा है, कौन रिंग मास्टर है। तो इस ढंग से चीज़ों को सरकार को तलाशना चाहिए, प्रशासन को तलाशना चाहिए। आम लोगों पर ये जो है एक तरह से यातना दी जा रही है। हम हॉस्पिटल में भी गए थे, जो लोग मिले वहाँ उसमें से अधिकांश जो थे नौजवान वो सब जो है वो निर्दोष थे, सब मजदूर पृष्ठभूमि से थे, खेतों में दिन भर काम किए, शाम में घर आए, उनको घर से उठा लिया गया। तो इस ढंग से हो रहा है, ये गलत है। और इसमें जो दलाल हैं जो सुन रहे हैं कि 4 FIR हुआ है, तो हम समझते हैं कि एक वहाँ जो दलालों का जमावड़ा लगता है थानों में जी, सभी थानों की कहानी है बिहार की, तो उनके द्वारा जिन लोगों को बताया जा रहा है अपने निहित स्वार्थों में
कि इसको फंसाया जाए इसको फंसाया जाए, वैसे ही लोगों का नाम दिया गया है और दोषी लोगों को बचाने की कार्रवाई की जा रही है। आए दिन ऐसी घटना घटती आ रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए पूरी पुलिस व्यवस्था जो है ये इसमें एक बड़े बदलाव की ज़रूरत है और दलालों के माध्यम से पूरी मशीनरी को चलाना पुलिस की ये समझ बन गई है, एक तरह से ऐसा ये बनाया गया है कि जनता दुश्मन है और तुमको इसको नियंत्रण में रखना है जी। इस रूप में पुलिस की एक ट्रेनिंग की स्थिति बनी हुई है, तो कहीं भी पुलिस का व्यवहार जो है वो लगता है कि जनता के साथ नहीं, वो इस देश के नागरिक नहीं है बल्कि वो दुश्मन है, इस रूप में वो व्यवहार करते हैं और ये जो है जनता में पूरा गुस्सा कभी कभी जमा रहता है, वो कहीं कहीं विस्फोट करता है। थाना में गाड़ी को जला दिया गया है, तोड़फोड़ किया गया है, कौन लोग थे इसमें? अब देखिए वहाँ तो जो CCTV फुटेज की बात आ रही है कि उसमें कुछ धार्मिक उन्माद वाले नारे लग रहे हैं जी, तो अब इस एंगल से उसकी पूरी तौर पे जांच होनी चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि इस एंगल से उसकी जांच होनी चाहिए कि थाने पर जो भीड़ जा रही है धार्मिक उन्माद वाले नारे लगा के जा रही है। परिवार के लिए क्या मांग करना चाहेंगे? परिवार को 20 लाख रुपया सरकार दे, परिवार में नौकरी दे, जो अनुरूप यादव का परिवार है जी। साथ ही जो हवलदार राम रतन राय मरे हैं है ना, उनको भी पर्याप्त मुआवजा मिलना चाहिए, उनके परिजनों को भी नौकरी मिलनी चाहिए, तो एक न्याय का राज स्थापित हो, मैं मांग करें। वीडियो में बने रहिए और अपडेट आप लोग को देते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।